राधे राधे एवरीवन, होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। मुझे पता है कि आज के ये व्लॉग स्टार्ट होते ही ये सीन देख के आप लोग को भी बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि आज के इस जमाने में, इस उम्र में इतना प्रेम देख पाना सौभाग्य की बात है। मेरे बाबा 84 साल के हो चुके हैं, दादी 78 साल की हो चुकी है। इस उम्र में इतना गहरा प्रेम, भगवान की कृपा और आशीर्वाद बना हुआ है हमारे परिवार पे, किसी की नज़र ना लगे कि हर एक फैमिली मेंबर के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम है। मैंने शुरू से ही देखा है कि दादी के सारे नखरे बाबा इतने खुशी खुशी उठाए हैं, कभी नानुकुर नहीं किए हैं। जबकि अधिकतर ऐसा ही होता है कि पत्नियां ही पति के नखरे उठाती हैं, बट हमारे घर में बाबा दादी के साथ ऐसा है कि मतलब बाबा ही हमेशा दादी के नखरे उठाते हैं। इधर बीच आप लोग देख रहे थे कि दादी की तबीयत उतनी सही नहीं चल रही थी, डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा था, हॉस्पिटल जा रही थी दादी, लगातार ट्रीटमेंट चल रही थी। तो अब भगवान की कृपा से दादी काफ़ी हद तक ठीक हो गई है, खाना पीना भी ठीक से नहीं खा रही थी, तो अब खाना पीना भी खाने लगी हैं। मैंने सोचा ये प्यारा सा मोमेंट कैप्चर कर लेती हूँ, सेव कर लेती हूँ। जैसे कि देखते ही हूँ आप लोग, कोई भी प्यारा सा मोमेंट होता है मैं सेव करने की कोशिश करती हूँ। बाबा दादी का ये प्यार मैं कैसे मिस कर सकती थी। मम्मी अभी दवाई दे रही हैं दादी को, अभी दवाई चल ही रही है, अब काफ़ी हद तक दादी ठीक हो गई हैं, मतलब पहले से बहुत बेटर है, तबीयत में काफ़ी सुधार आई है, अब ठीक हो रही है दादी। तो बेटा राधे 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 राधे, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? घूमने जा रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं। हाँ, हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं, लल्ला को लग रहा है हम लोग घूमने जा रहे हैं, बट हम लोग घूमने नहीं जा रहे हैं बेटा। अभी आप जा रहे हो हंसते हुए, आओगे रोते हुए, हंसते हुए आओगे ना, हंसते हुए आना, रोते हुए नहीं आना। हाँ, घर हमारा, हमारा घर कहाँ है? वो ब्लू वाला जो दिख रहा है वो हमारा घर है, और ये है सरकारी स्कूल उर्दू प्राथमिक विद्यालय, वो हमारा घर और ये सरकारी स्कूल। अच्छा है कि अनमोल आ रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना बेटा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मुझे लगा कि लल्ला रोते हुए आएंगी, बट नहीं रो रही है। जब सुई लगा तभी रो रही थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के, लगभग 5 मिनट रोई हैं, फिर चुप हो गई। बेटे को सुई लग गई, नाना जी को बताएंगे हम लोग, नाना जी को बताएंगे ना। कौन सुई दिलवाया बेटा? मौसी, मौसी सुई दिलवाई है। शांत एकदम। घर आके हमारी अभी सब अभी सो गई हैं, सोते हुए कितनी मासूम लगती है, नजर ना लगे किसी की, थोड़ा सा रोई हैं बट फिर सो गई हैं आराम से चुप होके। अभी हमारी अभी सब अभी जग गई हैं, और अभी सब अभी हमारी खा रही है रसगुल्ला, इनके मामा जी लाए हैं गुलाब जामुन भी और व्हाइट वाला रसगुल्ला भी, जो कि इनको बहुत पसंद है, घूम घूम के खाती है, खूब खाती। बट थोड़ी देर बाद इनको इरिटेशन होने लगी, फिर से वो जो इंजेक्शन लगा, वैक्सीनेशन हुआ, वो दर्द करने लगा तो रोने लगी। फिर मैंने इनका ड्रेस चेंज किया, कि मुझे लगा शायद इसलिए दर्द कर रहा होगा, अपना भी ड्रेस चेंज किया मैंने। और उसके बाद मैं इनको द्वार पे लेके आ गई, मैंने सोचा हरियाली देखेंगी, खुला वातावरण, हवा लगेगी ठंडी ठंडी, तो चुप हो जाएंगी। और द्वार पे गाय भैंस, मतलब कुछ ना कुछ दिखते रहते हैं, चिड़िया, तो देख के खुश होती हैं, तो शायद माइंड डाइवर्ट होगा तो चुप हो जाएंगी, दर्द से माइंड डाइवर्ट होगा, बट नहीं चुप हो रही थी बहुत मुश्किल से। मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, तेरे ऊपर तो कर दी सब कुछ कुर्बान, मेरी नाजुक कली, ओ मेरी नाजुक कली। मौसी सुई दिलवा दी मेरे बच्चे को, है ना, गंदी है मौसी, मौसी सुई दिलवा दी ले जाकर बेटी को ना, गंदी है मौसी, है ना। हाँ, मौसी ने सुई दिलवा दी मेरी बेटी को। दुखला है, नानी दवाई दी है अभी दर्द का, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा ना बेटे। बोले सब लोग को राधे राधे कर दो। तो बेटा आप राधे राधे करते हो ना, हाथ जोड़ के राधे राधे कर दो। नहीं नहीं करना है, हैं, राधे राधे नहीं करना है, दुख रहा है, हैं। तीन तीन सुई दिला गया, तीन तीन सुई। हाँ मौसी, तीन तीन सुई दिलवा दी, गंदी है मौसी, गंदी है मौसी। शाम के लगभग 5:30 बज रहे होंगे, लल्ला हमारी फिर से सो चुकी है, हाथ में पैसे लिए ही सोई हैं, नाना जी दिए थे इनको मेरे पापा पैसे फ्रूटी लाने के लिए, बट ये रोते रोते सो गई, दर्द कर रहा था। तो पापा मार्केट गए थे, मार्केट से लेके आए हैं आम, इतना सारा आम, ये कौन सा आम है? ये अचार वाला आम है, खाने वाला आम नहीं है, ये कच्चा आम है। बहुत सारे आम खरीद के लाए हैं पापा, मम्मी बोली थी अचार वाला आम लाने के लिए पापा को, कई दिन से मम्मी बोल रही थी, लेकिन पापा बिजी थे काम में, ध्यान नहीं जा रहा था,
तो फाइनली आज लेके आए हैं। अब डलाएगा हमारे यहाँ आम का अचार, ये पूरा बाल्टी में मैंने रख दिया है। आप वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुकी है नेक्स्ट डे, लल्ला हमारी जा रही हैं अपने पर नाना जी के कंधों पे बैठ के दुकान। बाबा और पापा मतलब कि लल्ला के नाना जी और पर नाना जी दोनों लोग आदत लगाती है डेली दुकान जाने का, फ्रूटी बिस्कुट चिप्स कुरकुरे ये सब खाने का। मैं कितना भी मना कर लूँ थक गई हूँ लेकिन कोई मानता ही नहीं है। डेली जाती है पर नाना जी के कंधे पे बैठ के, नाना जी के गोदी में, दुकान से कुछ ना कुछ लेके। ये देखिए क्या लेके आई हूँ, डबल फ्रूटी। देख रहे हैं फ्रूटी इनको इतना पसंद है, मैं मना करते करते थक गई हूँ और पापा लोग भी मना करते करते थक गई हूँ, लेकिन फिर भी पापा लोग भी खरीदवाते हैं और ये भी खरीद के लाते हैं। इनकी सोना दीदी तो यहाँ पे है नहीं, फिर भी ये डबल फ्रूटी लेके आई हूँ। सोना जब यहाँ पे थी ये नानी इनको कह रही है क्या बाहर, तो बोल रही नहीं मैं नहीं आऊंगी। नानी कह रही है दो एक फ्रूटी मैं रख दूँ फ्रिज में, तो बोल रही नहीं मैं दोनों पीऊंगी। नानी को मारने के लिए बोल रही है। आजकल गंदी गंदी आदत खूब सही है भाई। लल्ला सोना रहती है तो सोना भी डबल फ्रूटी लेके आती है, एक लल्ला के लिए एक अपने लिए, और लल्ला भी जब दुकान जाती है तो डबल लेके आती है, एक सोना दीदी के लिए और एक अपने लिए। अभी इनको ध्यान नहीं होगा कि सोना दीदी यहाँ पर नहीं है तो सोना दीदी के लिए भी लेके आई है। ये देखिए मैं ले रही हूँ तो गुस्सा करे नहीं, मामा दो मेरा फ्रूटी। तो गए जब शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे होंगे, दादी हमारी खा रही है आम मैंगो। मेरी दादी को आम इतना ज्यादा पसंद है, बट इधर भी तबीयत खराब था जिसकी वजह से आम वगैरह दादी खा नहीं पा रही थी। अभी तबीयत ठीक हो चुकी है तो देखिए कितने प्यार से आम खा रही है, बहुत पसंद दादी को आम। हम लोग और मुझे कुछ दिख रहा है। क्या दिख रहा है अभिषेक बेबी को, क्या दिख रहा है? इधर 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 देखो, जरा जरा देख लो जरा। बाबा भी हैं, बाबा को भी नहीं दिखा। हाँ मामा को दिख गया, दिखा है सबको क्या दिख रहा है, दिखाती हूँ आप लोग को भी। ये देखिए क्या है, आम है, आम तीन तीन ठो आम गिरा हुआ है। ये देखिए तो ये तो चिड़िया खा गई है, वो उधर तीन तीन ठो आम। हाँ आम पकने लगा है, आम गिरा हुआ है। उठाए बेटा हम लोग आम, हाँ आम उठाया जाए। ये देखो वो तो एक चिड़िया खा गई है, ये दोनों अच्छा है। उठाए बेटा रुक जाओ एक मिनट, उनको उठाने दो, उठाने दो बेटा। ये देखो ये देखिए एकदम पके गया है, ये एकदम अच्छा पका हुआ है, पेड़ पर का पका हुआ है, बहुत अच्छा पका है ये। और दिखाती हूँ ये, हाँ ये भी चिड़िया खा गई है, चिड़िया खा गई, वो भी चिड़िया खा गई, एक ये अच्छा। हे गाइस ये देखिए कितना बड़ा कटहल, ये छोटा सा बाबू लेके जा रहा है, देखिए कितना बड़ा कटहल। अभी हमारे कटहल इतने बड़े बड़े हो गए हैं ना। मेरी एक फ्रेंड है मेरे घर के बगल में रहती है, रहती नहीं है ससुराल से आई है, शादी हो चुकी है उसकी। उसने मम्मी से मांगा था अचार डालने के लिए कटहल, तो मम्मी आज तोड़ के भिजवाई है, वहाँ बगीचे में बैठी हुई है वो। देखिए कितने बड़े बड़े कटहल, सारे कटहल बटा गए, सिर्फ दो चार ही बचे हुए हैं। हमारी अभिषेक बेबी बहुत बहादुर लड़की है, बहुत बहादुर लड़की है ना अभिषेक बेबी, बहादुर लड़की है ना अभिषेक बेबी, दुनिया की सबसे बहादुर लड़की है। अभिषा बेबी को वैक्सीनेशन हुआ, उसके बावजूद भी हमारी अभिषा बेबी बिल्कुल भी नहीं रो रही है। ओले रोने लगे, तारीफ कर दी मम्मा तो, हाँ मम्मा तारीफ कर दी तो आप रोने लगी बेटा, हाँ अब तो गुड गर्ल है ना, ब्रेव गर्ल है ना, ब्रेव गर्ल, हाँ घर चले घर चले, हाँ नानी के पास चले, हाँ चलते हैं चलते हैं। बर्फ से सेका है मैंने पैरों को, हाँ ओले बाबू सर्दी भी लग गई है, सर्दी भी लग गई है, रोटी पी पी के सर्दी लग जाती है मुझे। चलो घर चल घर चलते हैं। अरे बाप रे देखो ना बेटा गाय कैसे बोल रही है, माँ गाय कैसे बोलती है बेटा, बताती है हमारी अभिषा बेबी, माँ गाय कैसे बोलती है बेटा। अभी सो के उठी है, चिड़चिड़ाई हुई है, बर्फ से सेका है मैंने इनका वो जहाँ पे इंजेक्शन लगा है जांघ, बाएं हाथ में सॉरी दाहिने हाथ में और दाहिने जांघ में और बाएं जांघ में भी लगा है इंजेक्शन। तो वहाँ पे डॉक्टर ने बोला था कि हाथ में और पैर में इधर दाहिने वाले में ज़रूरत नहीं है बर्फ से सेकने की, क्योंकि उधर दर्द नहीं होगा, ये बाएं वाला जो पैर है जांघ इसमें दर्द होगी, तो इसको बर्फ से सेकना, तो इसको मैंने बर्फ से सेका है, नहीं सेक पा रही हैं, रोने लग जा रही हैं, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती का सेक रही हूँ। स्वेलिंग नहीं हुई है बिल्कुल भी भगवान की कृपा से। बुखार आई थी तो इनके नाना जी दवाई लेके आए थे मार्केट से, तो दवाई वो मैंने दिया तो ठीक है, बुखार उतर जा रहा था बार 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 बुखार लग जा रही थी, और बार बार वो दवा देने से
बुखार उतर जाती थी, तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। जिस दिन वैक्सीनेशन करवाया मैंने उस दिन रो रही थी थोड़ा, बट जब दवा मैंने दिया तो इनको आराम लगा। और उस दिन ये बहुत सोई हैं, मतलब डेली की अपेक्षा उस दिन बहुत ज़्यादा सोई हैं। अभी तो हमारी अविशा बेबी काफ़ी हद तक ठीक भी हो गई हैं। अब जो दर्द होगा जांग पे वो काफ़ी हद तक ठीक हुआ है, परसों ही लगा था। हाँ चलो घर चलते हैं, अब घर चलते हैं। इनकी नानी आम लेके आई है, नानी गई थी मार्केट, नानी गई थी डॉक्टर के पास मौसी को लेके दवा लाने। तो अभी इनकी नानी और मौसी आई हैं घर, अभी द्वार पे आई थी मम्मी बुलाने, इसीलिए बेचैन की है कि चलो घर, मम्मी बोल के गई हैं कि आम लेके आई हूँ। तो चलो फिर राधे राधे बोल दो बेटा, राधे राधे, राधे राधे, नाक उंगली नहीं करते, गंदी बात है, राधे राधे कर दो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय कर दो, बाय बाय, बाय बाय कर दो बेटा, अभी सो के उठी हैं थोड़ा चिड़चिड़ा।